मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं TVS Apache RTR 160 को Honda XBLADE 160 से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, TVS और Honda दोनों ही एक ऐसे ब्रांड हैं जो हमेशा यंगस्टर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन बाइक बनाते हैं और एक बहुत ही अच्छे बजटेबल प्राइस में ये आपको बाइक अवेलेबल कराते हैं। और आज हम इन दोनों ही कंपनी की सबसे सक्सेसफुल बाइक का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, TVS Apache RTR 160 का Honda XBLADE 160 से। तो दोस्तों, दोनों ही बाइक के लुक्स के बारे में बात किया जाए तो जो RTR 160 का डिज़ाइन है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। बस हर साल इसके लुक्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। और इस बार RTR 160 में आपको सेम RTR 180 से मिलता जुलता ग्राफिक्स मिलता है, जो आपकी बाइक को एक अट्रैक्टिव लुक देता है। यही बात की जाए Honda XBLADE की, तो इसका जो लुक्स और डिज़ाइन है वो काफ़ी नया है, क्योंकि ये कुछ समय पहले ही मार्केट में आया है। और इसका जो लुक्स है वो बाइक को एक डेविल और स्पोर्टी लुक देता है RTR 160 के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इस बाइक में आपको दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं, पहला डिस्क विद ड्रम और दूसरा ABS विद डिस्क एंड ड्रम। और एक डिसएडवांटेज मेरे को इसमें लगा है कि इसमें आपको रेयर डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है, जिससे आपका और आपकी बाइक का थोड़ा सेफ्टी लेवल कम हो जाता है। लेकिन इन दोनों बाइक में ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन दोनों ही बाइकों में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। और दोस्तों, ये जो मेरे पास Honda XBLADE का मॉडल है वो डिस्क विथ ड्रम का है। ABS वाला मॉडल तब वहाँ शोरूम पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर आप अपने नियर बाय Honda शोरूम पर कॉन्टैक्ट करोगे तो वो आपको ABS वाले वेरिएंट की पूरी जानकारी दे देंगे। दोस्तों, सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइकों में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जिससे जो सेफ्टी लेवल है आपका और आपकी बाइक का दोनों ही बढ़ जाता है। और दोस्तों, जो Honda XBLADE का ABS वाला वेरिएंट है उसमें आपको सस्पेंशन गार्ड मिलेगा प्लास्टिक फाइबर का, कुछ इस तरीके का, लेकिन इस वाले मॉडल में वो नहीं है। दोस्तों, इससे होता ये है कि जब भी आप किसी ऊंचे स्पीड ब्रेकर पर फोर्सली अप डाउन होते हो तो ये सस्पेंशन गार्ड आपके सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं और ऑयल की लीकेज को भी रोकते हैं। लेकिन Apache RTR 160 के किसी भी वेरिएंट में आपको सस्पेंशन गार्ड नहीं मिलता है, जिससे अगर आप ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स पर फोर्सली अप डाउन होते हो तो सस्पेंशन डैमेज और ऑयल लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों, Honda XBLADE में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो इंडिकेटर्स टूटेंगे नहीं, उनमें बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस आएंगे। लेकिन RTR 160 के किसी भी वेरिएंट में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, इसमें आपको फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बेसिक सा सेफ्टी रिलेटेड फीचर है बाइक के लिए। दोनों ही बाइक के इंजन पावर के बारे में बात किया जाए तो RTR 160 में आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 159.7 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है और 15.12 PS एट 8000 RPM का पावर मिलता है। यही बात किया जाए Honda XBLADE की तो Honda XBLADE में आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 162.71 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है और इसमें आपको 14.12 PS एट 8500 RPM का पावर मिलता है। तो दोस्तों, पावर के मामले RTR 160 का पावर Honda XBLADE के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बाकी लेकिन इंजन डिस्प्लेसमेंट Honda XBLADE का ज़्यादा है, इसमें आपको 162.71 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है। दोस्तों, फ्रंट लुक्स के बारे में बात किया जाए तो RTR 160 में आपको पुराने मॉडल की तरह ही फ्रंट फेस मिलता है, 35x55 वॉट का, इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है और कॉर्नर्स पर आपको LED DRLs मिलते हैं, जो नाइट में आपकी बाइक को एक आई कैची लुक देते हैं। लेकिन Honda XBLADE में आपको कुछ नया ही देखने को मिलता है, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन में LED हेडलैम्प मिलता है, जिसमें आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं। और दोस्तों, इसमें आपको कंपनी से ही इंस्टॉल हजार्ड लाइट्स मिलती हैं, जिससे अगर आप नाइट में आपकी बाइक को हजार्ड लाइट प्लस LED हेडलाइट ऑन करके राइड करोगे तो आपकी बाइक नाइट में आपको एक मॉन्स्टर टाइप लुक देगी और आपको एक रेसिंग एक्सपीरियंस देगी। दोनों ही बाइक्स के टायर साइज के बारे में बात किया जाए तो RTR 160 में आपको 90x90 का टायर साइज मिलता है और रेयर में आपको 110x80 का टायर साइज मिलता है और दोनों ही व्हील्स आपको 17 इंचेस के मिलते हैं। Honda XBLADE के टायर साइज के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको फ्रंट में 80x100 का टायर साइज मिलता है और रेयर में आपको 130x70 का टायर साइज मिलता है और इसमें भी आपको दोनों ही व्हील 17 इंचेस के मिलेंगे। तो दोस्तों, Honda XBLADE का टायर पीछे से काफी मोटा है, इसलिए ये
अपनी बाइक को एक बहुत ही शानदार लुक देता है, रियर से एक स्पोर्टी फील देता है। दोस्तों दोनों ही बाइक्स के माइलेज के बारे में बात किया जाए तो आरटीआर 160 का टायर पतला होने से आप इससे कम से कम 50 प्लस तक का माइलेज गेन कर सकते हो, लेकिन होंडा एक्सब्लेड से आप इससे थोड़ा सा माइलेज कम गेन कर सकते हो। तो अगर आपको एक माइलेजेबल बाइक चाहिए तो आरटीआर 160 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको एक लुक्स रिलेटेड बाइक चाहिए, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो होंडा एक्सब्लेड आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों दोनों ही बाइक्स के प्राइस के बारे में बात किया जाए तो अपाचे आरटीआर 160 डुअल डिस्क विद एबीएस का प्राइस है 1.6 लाख्स ऑन रोड दिल्ली, और होंडा एक्सब्लेड एबीएस विद डिस्क एंड ड्रम का प्राइस है 1.3 लाख्स ऑन रोड दिल्ली। दोस्तों होंडा एक्सब्लेड का प्राइस आरटीआर 160 से कम है, 3000 रुपए कम है, वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको रेयर डिस्क नहीं मिलता। अगर इसमें आपको रेयर डिस्क मिल रहा होता तो दोनों का प्राइस लगभग सेम होता। और दोस्तों लेट वीडियो अपलोडेशन के लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से फीवर था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आपको आपके अपने चैनल आदित्य मोटर राइड में टाइम टू टाइम वीडियोस मिलेंगी। और दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इन दोनों बाइक्स के रिलेटेड में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।